रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। अपने पति की लाश शवगाह में देख शिप्रा घर लौटती है तो वहाँ इंस्पेक्टर विजय पांडे को उसका इंतजार करते पाती है। इंस्पेक्टर उसे विजय की विदेश यात्रा के बारे में जब सवालात करता है तब शिप्रा रो पड़ती है, जिससे इंस्पेक्टर को बुरा लगता है और वो अस्वाभाविक बर्ताव करना बंद कर देता है। वहाँ अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर को फोन पर एक अनजान आदमी धमकी देता है कि वो राजीव सिन्हा का केस बंद कर दे। पांडे का एडिटर दोस्त रावत उसे बताता है कि शिप्रा के बारे में उसने पता लगाया तो उसे अब उस पर राजीव का कत्ल करने का शक नहीं है, वो निर्दोष है। लेकिन आर का पेंडेंट जो राजीव के बटुए में मिला वो रानी चौहान का हो सकता है। इधर रानी अपना सामान बांधकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी कि उसका एक चाहने वाला राहुल उसके दरवाजे पर आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि अखबारों में उस पर भी राजीव सिन्हा के कत्ल का अंदेशा है और पुलिस के नियमों के अनुसार वो शहर से बाहर नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर पांडे इस केस के बारे में चर्चा करने जब कमिश्नर के पास जाता है तो फोन बजता है और वही शख्स जिसने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी वो अब कमिश्नर से बात करना चाहता है। उससे बात करने के बाद दुग्गल पांडे को राजीव सिन्हा की फाइल बंद करने का आदेश देते हैं। इसके बाद हम कमिश्नर दुग्गल के बेटे रॉकी के पीछे चलते हैं। अगली ओर सब करते हैं। हाँ है। आप आइए। मैं बोलता हूँ। अच्छा। मैम साहब आपसे कोई मिलने आया है? मुझसे? नहीं नहीं अंजलि मैम साहब से। मुझसे? हाँ। कौन है? जा ना जाके देख ले, तेरा कोई क्लासमेट होगा, जा। ठीक है। चल जल्दी देख के आ। तुम उसको बोलो मैं आती हूँ, बिठाओ उसको। आपके मतलब का नहीं है सर। मेरे मतलब का नहीं है? मतलब क्या, मैं पढ़ना निकल जानता नहीं सर? मैं अनपढ़ हूँ? नहीं सर। या फिर किताब में कुछ चिट्ठी बिट्टी छुपाई है? सर, कोई सर, कोई सर, कोई चिट्ठी पिट्टी नहीं है। I got you this book, Anjali. How sweet of you, Rocky. I'll bite you. It's okay, Anjali. No formalities, are. It's okay. What no formalities, Rocky? Don't be stupid. Oh no, Rocky. Come on. I'll bite you. Now let's have a look at this book. Wow! How sweet of you to get this book for me. जल्दी तैयार हो जाओ, यहाँ से खिसक लेंगे। ठीक है रॉकी, तुम बैठो, मैं रेशमा को फोन करके आती हूँ। ठीक है? सर आपके पास न्यूज़पेपर होगा? न्यूज़पेपर होगा नहीं, न्यूज़पेपर है तुम्हारे सामने। यस सर, थैंक यू। Ha ha ha!
So you got a lovely house. इस हाउस के बारे में क्या लवली है? सर सब कुछ. सब कुछ. आप. मैं. आंटी. आंटी. अंजलि. अंजलि. सर और ये सोफा सेट. सोफा सेट. सोफा सेट के बारे में क्या लवली है? सर इसकी बनावट. बनावट. सर इसका लेदर. इसका लेदर. सर इसका टेक्सचर. सर कहाँ से लाया? टेक्सचर. कहो तो तुम्हारे घर में भिजवा दूँ. 40-50 हज़ार रुपया लगेगा. ओह गॉड. गॉड नहीं सोफा सेट. सो एक्सपेंसिव. आ एक्सपेंसिव. अरे रॉकी बेटे तुम कब आए? रमा कैसी है? हेलो आंटी. एवरीबॉडी इज फाइन आंटी. आपका क्या हाल है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा सुनो अब आ गए हो तो नाश्ता करके जाना. नहीं आंटी नहीं प्लीज अभी नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है. नाश्ता तैयार है मैं जल्दी से लगा देती हूँ. बहुत जरूरी काम है. सुनो अंदर चलो मेरे साथ. इसको बहुत जरूरी काम. जरूरी काम है. जरूरी काम. रॉकी बेटा. यस सर. यस सर. वहाँ खड़े क्यों हो? यहाँ आओ ना सोफे पे बैठो. सर जाने से बहुत तुमको ये सोफा पसंद है ना? सर बहुत जरूरी है. लेदर. टेक्सचर. सर बनावट. और ये आंटी किचन में नाश्ता बना रही है. तुमको हलवा पसंद है ना? सर बहुत पसंद है. सर पसंद है ना तो यहीं बहुत यहीं बैठे रहो. मैं हलवा लेके आया. पापा गए किचन में. लेट्स भागो. विजय पांडे. विजय पांडे. विजय पांडे. विजय पांडे. विजय. अंजलि. हेलो पांडे. विजय इंस्पेक्टर. आपको सीधा बोलना नहीं आता क्या? उल्टा क्यों बोलते आप? अरे हाँ बोलो बोलो. कौन? इंस्पेक्टर विजय पांडे है. विजय पांडे साहब आए नहीं है. आप कौन? मैं मुकेश अग्रवाल. मुकेश अग्रवाल. हाँ बोलो. आप कौन? मैं एस्ट्रे. नहीं कांस्टेबल नाम देव. कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट है. मुझे इंस्पेक्टर विजय पांडे से कुछ जरूरी बातें करनी है. क्यों फिर से मर्डर हो गया क्या? नहीं मगर लगता है कि हो जाएगा. हेलो 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 हेलो. आप डरना नहीं. हम आए ना. दिस इज कंफर्टेबल फोन ऑफ पुलिस स्टेशन. वी कैन सी. वी कैन स्पीक. हेलो. चिट्ठी मिली है मुझे. जो चिट्ठी कम धमकी ज्यादा है. सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है. हाँ मैं जानता हूँ ये छिपाना जरूरी है लेकिन विजय पांडे को कौन रोकेगा? मैं कब तक उसको रोकता रहूंगा? कभी सोचा है कितनी जिंदगियां इन्वॉल्व हैं इसमें? राजीव सिन्हा की बीवी का क्या होगा? शिप्रा सिन्हा का क्या होगा? राजीव. हाँ शिप्रा. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पर मरते हो? Tell me, Rajiv, do you love me? नहीं. नहीं? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं? क्या मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. तुम्हारी ये सागर जैसी गहरी आंखें कभी याद नहीं आएंगी मुझे. तुम्हारी पलकों के नीचे ये झिलमिलाते तारे जिनसे मेरी रातों में उजाला भर जाता है याद नहीं आएंगे मुझे. इन तारों से टपकता हुआ ये प्यार भूल जाऊंगा मैं. तुम्हारी ये खूबसूरत कमान जैसी काली काली भवें
तुम्हारे इन गोरे गोरे गालों का कोमल एहसास, तुम्हारे ये नाजुक और मासूम होंठ जिन्हें छूकर मेरी थकान मिट जाती है, मैं नहीं याद रखूंगा। तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी ये नाक, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे काल, तुम्हारा रोम रोम, मैं सब भूल जाऊंगा शिप्रा, कुछ भी याद नहीं रखूंगा मैं। तुम्हारे आगोश में सिमट कर मैं तुम्हें ही भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें ही भूल जाऊंगा शिप्रा। सच, तुमसे दूर रहकर तुम्हारी याद कभी नहीं सताएगी मुझे, कभी नहीं। लेकिन तुम मुझसे दूर चले गए ना राजीव, तो मुझे बहुत याद आओगे। बहुत बहुत। सच 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 राजीव, सच 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 राजीव, बिल्कुल सच 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 सच। भाई जी, भाई जी किसको फोन कर रही है? मैं राजू की बहन रोशनी को फोन कर रही हूँ। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर रोशनी, प्लीज हू स्पीकिंग? मैं उसकी भाभी शिप्रा बात कर रही हूँ। ओह हाय, मैं उसकी रूममेट अचला बोल रही हूँ, वो आपका बहुत जिक्र करती रहती है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, वो लक्षद्वीप गई है कुछ असाइनमेंट के लिए, अपने सारे कैमरा वगैरह सब साथ लेकर गई है। वहाँ उसे ओशियोनोग्राफिक डिपार्टमेंट के लिए अंडरवाटर फोटोग्राफी करनी है। और कब आएगी ये तो मुझे नहीं पता, और आप भी उसे जानती हैं, उसे कब आना है सब उसके मूड पर डिपेंड करता है। आप उसे कह दीजिएगा उसके भाई राजीव से ना। एक मिनट, मैं जरा लिख लूं। आप उसे कह दीजिएगा उसके भाई राजीव से ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो हेलो, वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। शिप्रा जी, ये आपके पति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हाँ? आप चाहें तो मॉर्ग जाकर उनकी बॉडी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि उनके अंतिम संस्कार के लिए और क्या क्या करना होगा मुझे? उनके दाह संस्कार की तैयारियां करनी होंगी। आप चाहें तो मैं आपके सगे संबंधी को खबर कर सकता हूँ। इसको खबर करेंगे आप? राजीव की एक ही बहन है और वो काम के सिलसिले में बाहर गई है। आपके फैमिली फ्रेंड्स, परिवार के दोस्त? कोई नहीं, आप किसी को नहीं जानते थे। खैर आप फिक्र मत कीजिए। नंदे, तुम डेथ सर्टिफिकेट लेके आए ना? यस सर। ठीक है, तुम मॉक जाकर बॉडी कलेक्ट करो और वहाँ का इंतजाम करना तुम्हें आता है ना? हाँ। आप फिक्र ना कीजिए। Take care of everything. Thank you.
सर, सर राजीव सिन्हा मर्डर केस की फाइल बंद करने के लिए मुझे ऑर्डर राइटिंग में चाहिए। ऑर्डर दिया जा चुका है, उसे जाकर पूरा करो। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझको ऑर्डर मुंह जबानी नहीं बल्कि राइटिंग में चाहिए। कमिश्नर यशराज दुग्गल का ऑर्डर ऑर्डर होता है, चाहे वो लिखित हो या जुबानी, समझे बेटे? सर मैं यहाँ यश अंकल से मुखातिब नहीं, कमिश्नर यशराज दुग्गल से मुखातिब हूँ। मिस्टर पांडे, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। सर मैं भी यहाँ पर वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ, मुझको भी और बड़े काम हैं। आप मुझको ऑर्डर राइटिंग में दे रहे हैं कि नहीं? सर गेट आउट ऑफ माय रूम। मिस्टर यशराज दुग्गल, आप होंगे जरूर पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे, पर आप नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट की करते हैं और मुझे लगता है कि आप यह हकीकत भूल रहे हैं। सर एक इंसान का कत्ल हो गया है, जहां पर वो मरा था वहां पर आप मौजूद थे, कातिलों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो सकता है सर, और आप जानने के बावजूद मुझसे कह रहे हैं कि मैं केस की फाइल बंद कर दूं, वो भी एक मुंह जुबानी ऑर्डर पर, ये जानते हुए कि एक गैर कानूनी ऑर्डर है। सर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना तुमसे नहीं सीखना है। सर अगर एक पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी निभाने से चूक जाता तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, एक कि वो भ्रष्ट है, करप्ट है, और दूसरा कि वो किसी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। आप किसकी रक्षा करना चाहते हैं सर? तुम्हारी रक्षा। मेरी रक्षा? मुझे अपनी रक्षा के लिए आपकी या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है सर, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तुम बहुत बोलते हो पांडे, तुम्हारी इनसबॉर्डिनेशन और बदतमीजियों के वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। धमकी मत दीजिए कमिश्नर साहब, धमकी मत दीजिए। आप भी मेरी तरह एक सरकारी अफसर हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सरकारी अफसर कोई सड़क के किनारे खोंचे लगाने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और उसका खोंचा उठा के ले गई। आप जानते हैं कि मैं नौकरी महज नौकरी के हिसाब से नहीं करता सर, आप ये भी जानते हैं कि मैं नौकरी क्यों करता हूँ कमिश्नर साहब, क्योंकि बचपन में आपको देख देख कर मुझको लगा कि मैं भी बड़ा होकर पुलिस अफसर बनूंगा। नौकरी करनी है तो सिर्फ पुलिस की नौकरी करनी है। Because I wanted to be a bloody cop like you. Like me? Like me? Ah, क्या पिद्दी का शोभा? सुनो विजय कुमार जगतराम पांडे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता श्री जगतराम पांडे से कहा था कि तुम्हें किसी थिएटर या फिल्म कंपनी में एक्टिंग की नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टेज के ऊपर हर एक्टर दूसरे एक्टर को नीचे दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को महान साबित करने के लिए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में कलेक्टिव काम होता है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तुम सब कुछ खुद कर लेना चाहते हो, इस इंस्टीट्यूशन इस संस्था का सबसे महान व्यक्ति साबित करना चाहते हो। यू वांट टू बी सुपरमैन आउट ऑफ ए कॉमिक बुक? बस सब कुछ अकेले कर लेना चाहते हो, यही तुम्हें खामी है, यही तुम्हें खामी है, बस एक ही खामी। मैं तो खामियों का पुलिंदा हूं कमिश्नर साहब, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा पुलिस अफसर भी। सुना है आप भी अपने जमाने में बड़े अच्छे पुलिस अफसर थे, लेकिन अब नहीं। आज न जाने मेरी तरह कितने और नौजवान पुलिस अफसर खड़े खड़े आपका तमाशा देख रहे। कहां गया वो फरसन, कहां गया वो जुनून, वो ईमानदारी, वो दीवानगी, वो सब कहां गया? माफ करना सर, आपके अंदर का सब कुछ खत्म हो चुका है, और आपके साथ साथ हम सारे संगी साथी हम सफर सब। आप अकेले नहीं डूब रहे हैं सर, आपके साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डूब रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं, किसी को फांसी के फंदे से बचाना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं सर कि आप किसको बचाना चाहते हैं फांसी के फंदे से, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं सर, अपने आप को।
तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं, ओ तन्हाइयों के जजीरे में भी लोग बसते हैं, कुछ तो दोस्त होते हैं और कुछ रकीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं।